प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आपको कैसे पता होगा कि आपके लिए कौन से डेज सबसे बेस्ट है, यानी कि बीच वाले दिन कौन से ऐसे जिन दिनों में रिलेशंस मेंटेन करने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। आपका ओवुलेशन टाइम पीरियड क्या है, क्या आपका साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है, आपका ओवुलेशन कौन से डे पर हो रहा है, यानी कि अंडा कौन से दिन पे रप्चर हो रहा है। कभी कभार साइकिल इरेगुलर होने की वजह से विमेंस को अपना ओवुलेशन टाइम पता ही नहीं होता, ड्यू टू पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि अंडे दाने की रसौलियाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ओवुलेशन टाइम पीरियड परफेक्टली यानी कि टाइम पर हो ही नहीं पाती, और जिसकी वजह से उनको कुछ बीच वाले दिन का एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि ओवुलेशन कौन से डेट पर हुई और किन दिनों में रिलेशंस मेंटेन करने हैं जिससे प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। कई वुमेन्स का साइकिल 28 डेज का होता है, किसी का 30 डेज का होता है, किसी का 35 का होता है, 40 का होता है, 45 डेज का भी होता है। तो इसी डेज के अकॉर्डिंगली यानी कि हमें अपने मंथली साइकिल के अकॉर्डिंगली ही अपना ओवुलेशन टाइम पीरियड सेट करना पड़ता है, यानी कि हमें चेक करना पड़ता है कि आपका ओवुलेशन टाइम पीरियड कौन से डे पे हो रहा है और अंडा किस दिन रप्चर हो रहा है और किन दिनों में रिलेशंस मेंटेन करने हैं। इस तरह की कंफ्यूजन के चलते साथ कभी कभार कुछ गायनिक या कुछ डॉक्टर्स आपको ये भी एडवाइस कर देते हैं कि आपने मिड साइकिल फॉलो करना है, यानी कि 101 के डेज को आपने रिलेशंस मेंटेन करने हैं और जो बीच वाले काफी दिन आपके इस तरह से वेस्ट हो जाते हैं। और कभी कभार अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता, कुछ फैमिली इश्यूज हो जाता है या स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो स्ट्रेसफुल होने की वजह से ये सब चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती। और कुछ पेशेंट्स का जब ये सब चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती तो उनके जो बीच वाले दिन होते हैं वो काफ़ी वेस्ट निकल जाते हैं और जिसके साथ चलते उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो बीच वाले मिड साइकिल्स है कितने दिन का गैप होना चाहिए, कौन से दिन हमें फॉलो करने हैं और कितने दिन गैप होने के बावजूद भी अगर रिलेशन मेंटेन ना करे तो भी प्रेगनेंसी कैसे स्टे हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ओवुलेशन टाइम पीरियड को चेक करने के लिए हमारे पास ऐसे अच्छा सा सोर्स कौन सा है जिससे कि हम घर बैठे ही अपनी ओवुलेशन टाइम पीरियड को चेक कर सकते हैं और जिसके साथ चलते अगर हमें ओवुलेशन टाइम पीरियड एग्जैक्टली पता चल गई तो आप अपनी प्रेगनेंसी इजिली कंसीव कर सकते हैं। और वो ऐसे पर्टिकुलर डेज कौन से है, सबसे पहले ओवुलेशन चेक करने के लिए हमें ओवुलेशन स्टडी करवानी पड़ती है, यानी कि फॉलिकुलर स्टडी करवानी पड़ती है जिसमें हमें रेगुलर फॉर्म में यानी कि रूटीन में डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। और कभी कभार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि हमारी जो रूटीन रहती है वो ब्रेक हो जाती है और हम पहुंच ही नहीं पाते, तो जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि क्या अंडा रप्चर हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो भी डेज आपके वेस्ट हो गए और प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पाई और जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हमें दुख सा हो जाता है। और आज मैं आपको बहुत ही इजी प्रोसेस बताऊंगी कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपको अपना एग्जैक्ट साइकिल पीरियड पता होना चाहिए, क्या आपका साइकिल पीरियड 28 डेज का है, 30 डेज का है या 35 डेज का है। तो उस प्रोसेस में हमें करना क्या है कि अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो लास्ट 3 मंथ्स की आपने साइकिल पीरियड एक कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जून का मंथ चल रहा है, अगर आपको जून का मंथ है जैसे आज है 23rd of June, अगर 23rd of June आपकी LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट है यानी कि आज आपको पीरियड्स आए, लास्ट मई में अगर आपको 23rd को पीरियड्स आए हैं, अप्रैल में भी आपको 22nd या 23rd को पीरियड्स आए, इट मीन्स कि आपका जो साइकिल पीरियड हो गया 30 डेज का हो गया। तो 30 डेज को हमें कैलकुलेट कैसे करना है कि क्या 30 डेज के अकॉर्डिंगली हमारा ओवुलेशन कौन से डे पे होगा, यानी कि अंडे दाने में जो अंडा बना है वो बच्चे दाने में कौन से दिन में आएगा और रप्चर्ड होगा। उस कंडीशंस में करना क्या है कि आपका 30 डेज का साइकिल हो गया, 30 में से आपने -14 करना है और 14 करने के बाद आपका जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है 16। इट मीन्स कि आपका जो ओवुलेशन टाइम पीरियड है वो आपका 16th डे पे होगा। इसे 16 डे से लेके हमें 5 डेज फॉलो करने हैं रिलेशंस के लिए और इन दिनों में रिलेशंस मेंटेन करने से क्या होगा कि जो आपका एग रप्चर हुआ है यानी कि यूट्रस में, तो उन दिनों में अगर उसको सीमेन की क्वालिटी अच्छी मिली तो वो फर्टिलाइज्ड होके आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी ईजिली कंसीव हो जाएगी। ये प्रोसेस था यानी कि आपका रेगुलर साइकिल है तो, और अगर आपका 28 डेज का साइकिल है तो 28 में से -14 कर दो तो आपका ओवुलेशन टाइम पीरियड क्या हुआ 14 डे पे। तो इसी तरह से हमें अपना साइकिल कैलकुलेट करके उसमें से -14 कर देना और -14 करने के बाद जो वैल्यूज निकलती है उस वैल्यूज के अकॉर्डिंगली 5 डेज हमें रिलेशंस फॉलो करने हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विमेंस में जो एग्स रिलीज होता है यानी कि एग जब ओवरी से यूट्रस तक आता है तो उसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो जस्ट 1 डे का रहता है और हस्बैंड का जो सीमेन रहता है उसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो 4 to 5 डेज का रहता है। अगर इन केस आपके ये 2 दिन जैसे कि बीच वाले आपको मैंने जो मिड साइकिल्स बताए 5 डेज आपने फॉलो करने, उसमें से अगर आपका 1 दिन भी अगर आपका मिस हो जाता है
तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर आपका एग रप्चर्ड हो चुका हुआ है तो उसको सीमेन की क्वालिटी जो मिली उसका लाइफ स्पैन 3 to 5 days का, तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस था वो मिड साइकिल 101 को फॉलो करने के बजाय अगर आप इस साइकिल को फॉलो करें तो आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा वेस्ट होगा और आप इजीली इस चीज़ को फॉलो भी कर सकते हो और आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका साइकिल इरेगुलर है, यानी कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है या अगर कोई भी इश्यूज है, तो आपको पता ही नहीं कि आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट्स है क्या, कब आपको पीरियड्स आने हैं, नेक्स्ट मंथ में आपको कौन सी डेट है, तो इन सब चीज़ों के कंफ्यूजन के चलते साथ इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपको ओवुलेशन स्टडी में अगर आपने जाना है तो वहाँ पे भी आप उसको कर सकते हो। अगर आप घर पे बैठे ही अगर आप इस सब प्रोसेस को यूटिलाइज करना चाहते हो तो भी बहुत ईजी है। इसके लिए आपको करना क्या है कि इससे पहले की वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि नीटो किट, इनिटो किट एक ऐसी किट है ओवुलेशन किट के नाम से जानते हैं, जो कि हम अपनी प्रैक्टिकल में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स को यूज़ भी करते हैं। इस किट से क्या फ़ायदा होता है, इस किट को यूज़ करने से आपको एग्जैक्टली डेज पता चल जाता है कि क्या आपका ओवुलेशन होने वाला है कि नहीं है। बिकॉज जब आप इनिटो किट ओवुलेशन किट आप परचेज करोगे ऑनलाइन, इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगी, अगर आप इस चीज़ को परचेज करना चाह रहे तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। इसमें करना क्या है कि जब आप इनिटो किट लोगे उसके साथ आपको एक ब्रोशर मिलेगा, उसमें सारी डिटेल्स उसका फीचर्स बताया जाता है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। उस मॉनिटर में जब आप इसको यूज़ करोगे अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेज जो आपको डाउट होगा कि मे बी ओवुलेशंस होने वाली है पीरियड्स के बाद, तो उसमें 3 colors आते हैं, लो फर्टाइल, हाई फर्टाइल एंड ओवुलेशन टाइम। लो फर्टाइल में जो पिंक कलर आएगा इट मीन्स कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अभी तक आपका ओवुलेशन टाइम पीरियड नहीं हुआ। जब हाई फर्टाइल आएगा इट मीन्स कि आपका ओवुलेशन टाइम पीरियड पास में है, बिकॉज ये डेज आप फॉलो करना शुरू कर दो वो आपको एक अलार्मिंग साइन देना शुरू कर देगा। ओवुलेशन पीरियड ओके इट मीन्स कि आपका ओवुलेशन हो गया यानी कि अंडा रप्चर्ड हो गया, और इस 72 hours में आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशंस मेंटेन होने बहुत जरूरी होते हैं। तो ये था कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, अगर आपको ओवुलेशन टाइम पीरियड ही नहीं आपको पता कि आपका अंडा रप्चर कब हो रहा है, तो उस चीज़ को कैसे रूल आउट करना है, तो इस वीडियो में जो मैंने बताया उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आप चलें और अपने जो जो प्रोसेस बताएं उन चीज़ों को फॉलो भी करें। अगर तो भी आपको कोई डाउट है या अगर आपका कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो हम आपको इजिली उसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। अदरवाइज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9216544447। इसी तरह अगली वीडियो में भी मैं आपको इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करवाऊंगी जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी इजीली प्लान कर सकें। थैंक यू।